दोस्तों राधे राधे, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी आप लोग की दुआ से अच्छी हूँ। तो दोस्तों आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज का ब्लॉग जो है शाम से स्टार्ट हो रहा है, तो इस टाइम बज रहे 5:30 और हम सारे लोग आ चुके हैं किचन में। और आज हमारे यहाँ एक पूजा है, तारीख है 21 और दिन है बुधवार। और इस पूजा को दोस्तों हमारे यहाँ जो है बुधवारी पूजा कहा जाता है। इस बार तो ये पूजा कई वर्षों के बाद मनाया जा रहा है, वरना जो है ये पूजा दोस्तों हर साल मनाया जाता है, लेकिन बीच में कोई ना कोई एक्सपायर हो जा रहा था जिसकी वजह से कोई ये पूजा नहीं मना पाया था। तो इस बार दोस्तों साल भर के अंदर कोई एक्सपायर नहीं हुआ, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, तभी जो है इस बार मनाया जा रहा है। और ये पूजा दोस्तों हमें तो लग रहा है हम पहली बार देख रहे हैं। मम्मी कह रही थी जब तुम लोग छोटी थी तब भी ये पूजा हुआ था, तुम लोग प्रसाद भी खाई हो इस, लेकिन इस बार दोस्तों हम लोग देखेंगे भी और करेंगे भी। और ये प्रसाद सारा मम्मी बनाएंगी, क्योंकि हम लोग जो है ये सारा प्रसाद पहले का कभी बनाया भी नहीं और हम लोग को ज़्यादा पता भी नहीं है, तो इसलिए मम्मी किचन में आ गई हैं। तो बोल रही थी मैं जैसा जैसा कहती हूँ तुम लोग बस वैसा ही करके दो हमें, तो मम्मी उधर जो है बना रही हैं और हम लोग जो है सारी तैयारियां करके मम्मी को दे रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 7 किस्म की सब्जियां हैं अभी, तो यहाँ पे 5 किस्म की सब्जियां हैं। तो इस सब्जी का जो है 7 मील का दाल बनेगा और 2 किस्म का दाल भी रहेगा, जो सारा कुछ एक ही में मिक्स करके बनाया जाएगा। कुकर में अभी हम बैठाएंगे, लेकिन उससे पहले कट करना है हमें। और इधर देख सकते हैं मम्मी जो है लस्सी बना रही है, तो इसमें जो है मम्मी आटा ऐड की है जो घी में भुनी है, और सूखे हुए मेवे ऐड किए हैं और सौंठ ऐड की है। सारा एक ही में मिक्स करके फिर उसी को जो है पका रही है। ज़्यादा समय नहीं लगता है उसे पकाने में, 10 से 15 मिनट में बन जाता है। बाबू पहले देखिए, बाबू क्या कर रहे हो, पैसा लिए कौन दिया है, कितने रुपये है, 5 रुपये है, 6 रुपये है, दिखा दो अच्छा पैसा, इधर दिखाओ, यहाँ पे, यहाँ पे फोन में, फोन में दिखा। बाबू मेरा पैसा लिया है, क्या खाओगे, आटा। क्या खाओगे, आटा। टॉफी, हाँ। सब्जी देख लीजिए, क्या है जी, मटर है, दिखा दो तो ऐसे करे, देख लीजिए, बता दो बाबू बुआ क्या कर रही है, मटर है, बाबा लाए हैं, मटर लाए हैं, पैसा देखो गिरे ना, पैसा देखो ध्यान से गिरे ना, चौक आते हैं, चौक देना। और इधर देखिए दोस्तों, मैं आटा गूंथ कर मम्मी को दे दी हूँ और मम्मी आ जाती हैं रोटी बनाने के लिए। और ये जो है घी वाला रोटी बनेगा, एक के ऊपर बहुत सारी मम्मी जो है लोइयाँ रख दी हैं, आप लोग देख सकते हैं 4 से 5 लोइयाँ रखी हैं और सारा जो है एक ही साथ रोटी बनाएंगे। और उसके बाद तवे पे जो है पराठे नुमा सेक देंगे, जैसे पराठे सेके जाते हैं। ये सारी रोटी दोस्तों हम लोग जो है पहली बार देख रहे हैं और मम्मी से हम लोग कह रहे हैं कि एक ही में जो है चिपकेगी तो नहीं ना, तो मम्मी कह रही थी नहीं चिपकेगा, अभी तुम लोग देखना। तो बस मम्मी जो है अभी बना रही हैं और हम लोग जो है देख भी रहे हैं कैसे ये पूजा होती है। सॉरी दोस्तों, कैसे की जाती है आज हमें भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मम्मी जो है बड़ी सी रोटी बना चुकी हैं और उसके बाद तवे पर रख दिए, तो देख सकते हैं पराठे जैसे सेक रहे। और ये दोस्तों सच में अंदर से जो है चिपका हुआ नहीं है, सारा जो है मम्मी कह रही थी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो अलग हो जाएगी ये रोटियां। तो ऐसे ही करके मम्मी 2 से 3 बार रोटियां बनाएंगी। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को जो है अच्छे से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मम्मी जो है 3 से 4 लोइयां बना चुकी हैं और सारी लोइयां के ऊपर जो है मम्मी घी लगाएंगी, घी लगाने की वजह से जो है चिपकता नहीं है आपस में। तो दोस्तों देख सकते हैं मम्मी जो है एक के ऊपर मतलब घी लगा रही है सारी लोइयां पे, जिससे आपस में ये नहीं चिपकेगा। अब तो हमें भी पता चल गया कि ये सारी मतलब कैसे पूजा की जाती है और कैसे प्रसाद बनते हैं। तो मम्मी हम लोग को बता भी रही हैं और अपने जो है कर भी रही हैं। तो बस अब मम्मी जो है बड़ी सी रोटियां बनाएंगी इसकी, और फिर दोस्तों मैं आप लोग को लास्ट में दिखाऊंगी कि ये सारी रोटियां आपस में चिपक रही है या नहीं चिपक रही है। तो वीडियो में आप लोग को लास्ट में ज़रूर पता चलेगा। और उससे पहले जो लोग भी हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।
तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारी रोटियाँ जो है आपस में नहीं चिपकी है, सारी जो है आराम से एक दूसरे से अलग हो गई हैं। तो फिर अमृता देख रही थी, कह रही थी ये रोटियाँ जो है कच्ची लग रही है देखने में, सच में दोस्तों वैसे ही लग रही है, लेकिन मम्मी कह रही थी ये कच्ची नहीं है, जैसे पराठे के अंदर रहता है वैसे ही ये भी है। और इधर देख सकते हैं दोस्तों दीदी जो है सारी सब्जियां कट कर रही हैं, और मैं आ जाती हूँ चावल बीनने के लिए, क्योंकि चावल हमारा ख़त्म हो गया था तो मम्मी कह रही थी उसी में से ले लो। तो हम सारे लोग जो है मिल कर जो है भोजन बना रहे हैं, जो भी प्रसाद में चढ़ेगा। और हाँ दोस्तों, ये जो है घी वाली रोटी बन रही है, और साथ में लपसी जो बनी है मम्मी पहले बना चुकी है, आप लोग को मैं दिखाई हूँ। तो ये रोटी और लपसी जो है बाबू के लिए पूजा होगा, जो बचपन में नहीं हो पाया था जब बाबू हमारा 6 महीने का था, तो वह पूजा मम्मी इस बार कर रही हैं। जब शुभ दिन होता है तभी जो है पूजा किया जाता है। तो आज दोस्तों बहुत ही अच्छा दिन था, तो मम्मी बगल की एक आंटी थी उनसे पूछी थी कि बाबू का भी पूजा आज कर दे या नहीं, तो वह बोली थी कि इससे अच्छा दिन और कोई नहीं हो सकता है। तो बस मम्मी आज जो है बाबू का भी पूजा कर रही हैं, यानी लपसी और ये घी वाला रोटी जो है उसी के लिए बना है, बाबू के लिए पूजा होगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मम्मी जो है छोटी छोटी रोटियाँ बनाने लग जाती हैं, जो बुधियारी पूजा में मतलब चढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों सारी सब्जियाँ दीदी कट कर दी हैं, तो मैं आ जाती हूँ कुकर में दाल बैठाने के लिए। और जो है इसमें 7 सामग्री पड़ेगा, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं उड़द और दाल मैं डाल चुकी हूँ, और उसके बाद ये 5 सब्जियाँ हैं, सबका मिक्स हो के मतलब दाल बनेगा आज के दिन, यही जो है बुधियारी पूजा में चढ़ाया जाता है। और साथ में मम्मी जो है छोटी छोटी रोटियाँ भी बनाई हैं 13, और उसके साथ दोस्तों एक और मोटी रोटी भी बनेगी, तो आगे वीडियो में आप लोग को पता चलेगा। और दोस्तों आप लोग को पता है मैं यहाँ पे जो है दाल को बैठा रही थी, और मम्मी मुझसे बोली थी कि ये मटर जो है हरी वाली उसे थोड़ा सा तुम जो है कूट देना उखली में, लेकिन मैं भूल गई, मम्मी अभी को मुझे बताई, तो मुझे जो है हंसी भी आ रही थी। तो फिर मम्मी कह रही थी जाने दो 5 से 6 सीटी मरवा देना, सारा जो है अच्छे से पक जाएगा। तो मैं इसमें जो है हल्दी और नमक भी डाल देती हूँ, और सारी सब्जियाँ तो पहले ही डाल चुकी हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अदरक भी मैं छोटे छोटे भागों में कट करके इसमें डाल देती हूँ। पहले तो सोची थी तड़का देंगे तब डाल देंगे, तो मम्मी कह रही थी नहीं उसी में मिक्स कर दो, तो बस मैं सारा मिक्स कर। और दोस्तों ये पूजा जो है बस हमारे घर ही नहीं हो रही है, सारे लोग आज के दिन ये पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ये पूजा जो है बुध के दिन ही किया जाता है। और आप लोग बताइए कि आप लोग के यहाँ ये पूजा होता है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मम्मी जो है छोटी छोटी रोटियाँ बना चुकी है, और ये घी वाली भी रोटी बन चुकी है, और रह गई है एक मोटी रोटी, तो इसमें भी 7 तरह के आटे मिक्स किए गए हैं, तो बस मम्मी उसी को गूंथ लेती है और इसकी जो है एक मोटी सी रोटी बनाएंगी, बहुत बड़ी बनाएंगी, तो आगे मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कि ये पूजा हमारे यहाँ कैसे होता है, आप लोग को भी पता चल जाएगा। और इधर हमारा जो है कुकर भी सीटी मार रहा है, 2 से 3 सीटी और मारेगा तो हमारा दाल भी बन जाएगा। और मम्मी जो है आटा गूंथ चुकी हैं मोटी रोटी के लिए, तो हम लोग सोच रहे थे कि 2 रोटी बनाएंगे, लेकिन मम्मी कह रही थी नहीं बस 1 ही रोटी बनाई जाती है सबका मिक्स करके, वो भी मोटी वाली। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी बन रही है, वो भी जो है चकला बेलन का जो है सहायता भी नहीं लेना है, खुद हाथों से ही बनाना है। तो मम्मी जो है बना चुकी हैं लगभग दोस्तों सारा जो है भोजन बन चुका है, जो भी प्रसाद में चढ़ेगा। तो देख सकते हैं मम्मी इधर जो है तवे पे आ गई हैं सेकने के लिए, और इसे जो है बहुत ही आराम से सेका जा रहा है, अगर जो है जल्दबाजी में आप उठाएंगे तो ये फट भी सकती है, तो मम्मी जो है आराम से उठा रही हैं। और उसके बाद इसे दोस्तों चूल्हे में सेकेंगी, और इधर मम्मी जो है आ जाती हैं बाबू का पूजा करने के लिए, जो पूजा छोटे पे नहीं हो पाई थी, तो अब होगा वह पूजा लपसी और ये घी वाली रोटी का। तो सारा चीज़ जो है पहले एक थाली में मम्मी निकालेंगी और उसके बाद पूजा करेंगी। फिर कह रही थी जब दाल चावल और ये मोटी रोटी बन जाएगी तो जो है बुधियारी पूजा होता है, तो वह भी मम्मी आगे करेंगी। और यहाँ पर मम्मी आ जाती हैं बाबू वाला पूजा करने के लिए, और देख रही हैं कि रोटियां जो है सही लिए या नहीं, गिन कर जो है मम्मी को रोटियां लेना है। और इधर लपसी जो है, तो
दोस्तों फाइनली मम्मी जो है आज बाबू का भी पूजा कर दी। कई दिनों से ये पूजा रुका था, आज बहुत ही अच्छा दिन था तो ये आज हो जाएगा। तो यहाँ पे मम्मी जो है प्रसाद एक थाली में ले चुकी हैं और लोटे में पानी ले लिए हैं, तो पानी से खाने को ऐछेंगी और एक लोटा जो है मम्मी धार देंगी, तो बस वही अपना कर रही हैं। और इधर देख सकते हैं दोस्तों दाल का तड़का देने के लिए दीदी जो है सब्जी कट कर चुकी हैं। दाल हमारा बन गया है, अब रह गया है चावल बनना। तो बस मम्मी कह रही थी जैसे ही दाल चौंकाता है कुकर में तुम लोग जो है चावल भी बैठा दो ताकि सही समय पे हम जो है पूजा भी कर ले समय से। तो बस दीदी जो है जल्दी जल्दी छौंक रही हैं और सारा चीज़ दोस्तों बन चुका है लगभग। और फिर मैं चली जाती हूँ चूल्हे में आग जलाने के लिए, क्योंकि मोटी वाली रोटी दोस्तों जो है हमें चूल्हे में ही सेकना है, गैस पे तो सेका नहीं सकती है, इतनी मोटी है। तो फिर मैं जलाती हूँ, देख सकते हैं कैसे आग हमारी धीरे धीरे जल रही है। तो मम्मी यहाँ पर जो है रोटी सेकने के लिए आ गई और बाबू भी हमारा जो है बीच बीच में आता रहता है जब भी देखता है कि कुछ स्पेशल बन रहा है। तो बस देख सकते हैं आप लोग। और दोस्तों आप लोग को पता है ये वाली दाल जो है बहुत ही टेस्टी लगी थी, खाने में मज़ा आ गया था। पापा जो है बहुत ही तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे आज पूजा के दिन बनाए, किसी दिन और ये सारी सामग्री आएगी तो फिर से ये आप लोग जो है दाल बनाइएगा। सच में दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा था ये दाल। और यहाँ पे देख सकते हैं पूजा की थाली तैयार हो चुकी है, यानी मम्मी आ गई हैं बुधारी पूजा करने के लिए। और ये पूजा दोस्तों जो है खासकर चूल्हे के पास ही की जाती है। मम्मी यहाँ पे जो है अपना पूजा वूजा कर लेती हैं, भगवान जी का आशीर्वाद ले लेती हैं और उसके बाद चलते हैं हम लोग भोजन करने के लिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये भोजन आप लोग के लिए स्पेशली है, तो आइए आप लोग भी कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का भोजन कैसा बना है। और ये दोस्तों अगले दिन सुबह का क्लिप है, तो आज तारीख है 22 फरवरी, आज से बच्चों का जो है बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। तो अमृता भी जो है इस बार 10 में है, तो वह तैयार हो रही है और मैं आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि उसे लेट हो रहा था और सुबह ही उसे पेपर देने के लिए जाना था। तो फिर वह अपना चली जाती है और इधर दीदी आ जाती हैं अचार बनाने के लिए मूली का। और ये मूली दोस्तों जो है बहुत ही ज़्यादा सूख गया है इसलिए उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो मम्मी कह रही थी कोई बात नहीं सूख गया है तो ये अचार जो है जल्दी ख़राब नहीं होगा, और जो थोड़ा सा हल्का सूखा रहता है तो वह थोड़ा जो है बाद में कड़वा भी लगने लगता है लेकिन ये नहीं लगेगा। तो बस दीदी इसमें मसाले वसाले ऐड कर देती हैं और फिर जो है अचार बनकर हमारा रेडी हो जाता है, आप लोग भी देख सकते हैं। तो दीदी जो है मम्मी को दे रही थी चखने के लिए कि इसमें नमक उमक सही है या नहीं, तीखा सही है। तो बाबू भी हमारा जो है मांगने लग जाता है तो फिर दीदी उसे दे देती हैं और इसे बहुत ही अच्छा लगता है। पहली बार बाबू हमारा जो है टेस्ट किया है तो बार बार जो है दीदी के पास आ रहा था कि बुआ और दीजिए हमें अच्छा लग रहा है। तो मम्मी बता रही थी थोड़ा सा नमक कम है तो दीदी वही डाल देती हैं और उसके बाद डब्बे में भर देती हैं। और वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू दोस्तों। और हमारा सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप लोग के प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।